प्रभाग क्रमांक 17 सहित मीरा भाईंदर शहर में पानी की समस्याओं से नागरिक है परेशान। इस पानी की समस्याओं को लेकर आज प्रभाग क्रमांक 17 की नगर सेविका दीपिका पंकज अरोरा ने मनपा आयुक्त सहित महापौर उपमहापौर को पत्र देकर पानी की हो रही समस्याओं से जल्द निपटारा करने की मांग। इस बारे में उन्होंने मीडिया से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम यहाँ पर एक्चुअली कमिश्नर से मेरा ये प्रश्न है, निषेध प्रशासन का ही है कि उनकी अनदेखी की वजह से ये जो ढील MIDC और स्टेम के प्रशासन जो ऑफिसर्स हैं वो मीरा भाईंदर को अनदेखा कर रहे हैं, उसके प्रति हमने आज कमिश्नर को निवेदन देना है, महापौर को देना है और जो हमारे डेप्यूटी मेयर है हसमुख गहलोत जी उनको भी देना है। जी मैं दीपिका पंकज अरोरा प्रभाग 17 से नगर सेविका और आज मेरे साथ प्रभाग 17 के बहुत सारे यहाँ पर रेजिडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो ये कहना चाहते हैं इस निवेदन के माध्यम से। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे प्रभाग 17 और मीरा भाईंदर के शायद आज के डेट में सभी रहीवासियों की ये पुकार होगी कि पानी की जो ये चल रही है एक साल से पिछले हम लोग देख रहे हैं और इस एक साल से मैं फाइट कर रही हूँ। लास्ट जून से मई में मेरा पहला पत्र था कि हर बार हमें सुनने में आता है कि पाइप फट जाती है, कभी MIDC की, कभी जो प्रेशर है पानी का स्टेम वाटर से प्रेशर नहीं आने के कारण यहाँ पर पानी रेस्टोर नहीं किया जाता है। चार चार दिन हमारे रहीवासियों को पानी नहीं मिल रहा है, तो रहीवासियों की यही रोना मैं आज कमिश्नर साहब की अनदेखी के लिए निषेध कर रही हूँ यहाँ पर कि पानी की इतनी भारी वहाँ पर हर थर्सडे हर गुरुवार को न्यूज़ आ जाती है कि आज पानी की लाइन फट गई है और पानी बंद किया जा रहा है, इसीलिए आपको पानी चार दिन के बाद मिलेगा। 94 hours to 96 hours इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कोरोना काल में पैंडमिक में जहाँ लोग सभी घर से ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, बार बार घर में बच्चों का रहने से खाना वगैरह बनता है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, तो इसी पुकार को मैं आज यहाँ तक पहुँचाने आई हूँ जो अनदेखी प्रशासन की चल रही है। इस पाइप फटने के कारण जो असुविधा पानी की हो रही है हम लोगों को, इसका हम आज भारी मात्रा में निषेध करते हैं। जी ऑलरेडी पत्र व्यवहार करने के बाद थोड़े दिन सुधार होने के हुआ था, उसके बाद फिर से वापस स्क्वायर वन हो गया है, फिर से हम देख रहे हैं कि 96-72 hours में पानी मिल रहा है। तो उसमें हमने एक ऑनलाइन पिटीशन बनाई गई, ऑनलाइन पिटीशन को जो है वो हमने वायरल किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स और अपने जो उनके विचार हैं उन्होंने साइन की है वो पिटीशन, और वो चाहते थे कि आज मैडम आप हमें यहाँ पर खुद लेकर के चलिए प्रत्यक्ष रूप में, बट कोरोना के कारण थोड़े से हम भी चाहते हैं कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करके और घर पे सुरक्षित रहें, तो मैंने बहुत लोगों को आज यहाँ पर इनवाइट नहीं किया, बट ये प्रभाग 17 की स्पेशली 10,000 लोगों की पुकार आज मैं यहाँ पर खुद अपने रिप्रेजेंट कर रही हूँ।